morning everyone. Welcome to our channel The Aura. मुसाफिर हूँ यार, न घर है ना ठिकाना, बस निकल पड़े हैं. This is the motto of today. निकल गए हैं घर से, कहाँ जाना है पता नहीं और कहाँ रुकेंगे वो भी पता नहीं. आपको दिख रहा है मेरे पीछे का नज़ारा? Isn't it awesome? ऐसा नज़ारा आपको जमशेदपुर के अंदर तो नहीं मिलने वाला, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. बाहर निकलिए, सिटी से बाहर निकलिए, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए. तो फिलहाल हम लोग सोनारी से दोमोहनी का जो कनेक्टिंग एक्सप्रेसवे नया बना है फॉर NH33 वो पकड़ के निकले हैं. देखते हैं ये रास्ता हम लोग को कहाँ लेके जाती है. सो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका और एक संडे स्पेशल व्लॉग में. वैसे मैं तो आप लोगों को न्यू ईयर विश करना भूल ही गए. आई मीन दिस इज द लाइव न्यू ईयर विश बाय अस, सो विश यू गाइस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आज संडे है, बज रहे हैं सुबह के 9:30. मैंने अपना नाइट शिफ्ट कंप्लीट कर लिया और मेरे पीछे जो बैठा हुआ आलसी बंदा उसको मैंने ऑलमोस्ट लात मार के उठाया और बोलता है कि चल ड्राइव पे चलते हैं. So when we are passing through this road, people obviously take this road to go to NH33, go to Ranchi. But I guess hardly people stop here to explore this part, to explore this really beautiful nature. We stood up here and I guess if you come down here without any proper arrangement, you just come here for a few hours, sit here. This is a really quiet place. It just, you can listen to your heart right here. So come, enjoy this. And obviously nowadays it's a picnic season going on. You can come here, but this is our request to all of you. Don't litter, don't mess with the beauty. Pack your everything with you, whatever you are littering. मतलब हम लोग तो बस आज निकल पड़े थे यार कि देखते हैं जगह कैसा है, बट जब यहाँ आए तो यकीन मानो यार यहाँ का नज़ारा मतलब ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे ही बैठे रहे और दिन गुजर जाए. इतना ऑसम प्लेस है और बहुत कम लोगों ने भी इस एरिया को एक्सप्लोर किया हुआ है. और सबसे बढ़िया बात है कि अभी यहाँ पर पिकनिक का भी उतना रश नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है. आई एम श्योर लोगों को जैसे जैसे पता चलेगा वैसे वैसे लोग एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, वैसे वैसे पिकनिक करेंगे और वैसे वैसे गंदगी भी फैलाएंगे. तो थैंक गॉड कि अभी तक यहाँ पे लोगों का रिच कम है तो काफ़ी साफ सुथरा है. तो कोई बात नहीं, आई थिंक हमारे इस व्लॉग के ज़रिए हम लोगों को मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि इस तरह की सीनिक ब्यूटी वाले एरिया को गंदगी से ना भरें. और आप देख सकते हो कि यहाँ पर नाव भी चलता है, शायद कुछ पैसों के एक्सचेंज में ये लोग आपको एक बढ़िया सा नाव का सफ़र भी करवा दें. तो अच्छा एक्सप्लोर करने के लिए एरिया है. और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जब आप आते हो
तो आप अपने साथ जो भी खाने पीने का सामान है सारा कुछ कैरी करके लेके आए, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर के रेंज पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो अपना सारा जुगाड़ लेते आइए और यहाँ पे बस बैठ जाइए और एक मस्त टाइम बिताइए। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि इस जगह पे एक बार ज़रूर आए। अगर आप जमशेदपुर की इर्द गिर्द या लोकेलिटी में रहते हो, या जो लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं जो जमशेदपुर के बाहर भी रहते हैं, वो भी इस एरिया को बिल्कुल एक्सप्लोर करें। इस एरिया का पर्टिकुलर गूगल मैप लिंक डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं, तो उसको चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार ज़रूर आए इस एरिया में और अपना एक्सपीरियंस हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। There are several undiscovered places like this that can be discovered only by roaming aimlessly. So that's the place to be discovered another day. Till then, keep watching the aura. And please do like, share and comment on our video. And please subscribe to our channel. Thank you. Have a nice day.